दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। एक तरफ स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया गया, पढ़ाई अच्छी की गई, टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाने के लिए ब्रॉड भेजा गया, विदेशों में भेजा गया, कई नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए जैसे हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति करिकुलम, बिजनेस सिखाने के लिए बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस, कई स्पेशल किस्म के स्कूल शुरू किए गए। जैसे अभी एक स्कूल शुरू करने जा रहे हैं जहाँ ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर जो बच्चे भीख मांगते हैं वो एक तरह से समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग होते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, वो किसी का वोट बैंक भी नहीं होते। उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं हम लोग। इस तरह से एक आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल बनाया है जहाँ पे बच्चों को फौज में भर्ती करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है जिसका मकसद है देश ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लेके आए। स्किल यूनिवर्सिटी तैयार की है जिसमें बच्चों को रोज़गार के लिए तैयार किया जा रहा है। इस तरह के कई कदम उठाए गए हैं। आज जो मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, हम बार बार कहते हैं कि हमें भारत को, सबको मिलके हमें भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। भारत दुनिया का नंबर वन देश तब तक नहीं बन सकता जब तक इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। और ये काम हमें बहुत कम समय में करना है। 75 साल खराब हो गए अपने, अब बहुत कम समय में अपने को हर बच्चे तक अच्छे से अच्छी शिक्षा पहुँचानी है। ये कैसे होगा? उस दिशा में आज जो मैं ऐलान करने जा रहा हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में ये एक नई तरह की क्रांति पैदा करने वाला है। आज हम देश का पहला वर्चुअल स्कूल चालू करने जा रहे हैं। एक साल पहले हमने ऐलान किया था कि हम देश का वर्चुअल स्कूल बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। गांव में स्कूल नहीं है या स्कूल बहुत दूर है, दूसरे गांव में स्कूल है, जा नहीं सकते, बीच में नदी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं हमारे समाज के अंदर जिस तरह से लड़कियों की एजुकेशन को लेके लड़कियों की एजुकेशन, कई सारे पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि वो बाहर नहीं भेजना चाहते। तो ऐसी बच्चियां जो घर में हैं वो घर बैठ के एजुकेशन कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काम पे लग जाते हैं, बचपन में होना नहीं चाहिए पर काम पे लग जाते हैं। ऐसे सारे बच्चों तक, आखिरी से आखिरी बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए हमने ये शुरू किया है। कोरोना के वक्त जब स्कूल बंद थे तब वर्चुअल क्लासेस लगा करती थी, उन वर्चुअल क्लासेस से प्रेरणा लेके हम लोगों ने ये एक नई तरह का स्कूल चालू किया है। हमारा अपना ये मानना है कि स्कूल तो क्लास में आना ही चाहिए, स्कूल होना ही चाहिए, स्कूल में बच्चों को फिजिकली आना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों तक वो स्कूल नहीं, जिन बच्चों को फिजिकल स्कूल मुहैया नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, उन तक कम से कम शिक्षा तो पहुंचे। ये वर्चुअल स्कूल उन बच्चों को शिक्षा पहुंचे।